पार्टी अपनी जगह है और क्रांति अपनी जगह है जैसा वो वो डायलॉग बोलते भी हैं मदनलाल ढिंगरास पर्सनालिटी इज पोर्ट्रेयड एज समवन विद अ मोर आउटगोइंग पार्टी एनिमल एंड अ सोशल पर्सन इन जनरल व्हिच माइट डिफर फ्रॉम द टिपिकल इमेज ऑफ अ फ्रीडम फाइटर ही वाज अ रिबेलियस मैन एंड ही वाज डीपली मूवड एंड अफेक्टेड बाय द कंडीशन ऑफ द कंट्री एंड यू नो बाय द ब्रिटिश रूल वी सावरकर

Sir, I myself have watched the entire film, and what I observed is that Madanlal Dhingra's personality is portrayed as someone with a more outgoing party animal and a social person in general, which might differ from the typical image of a freedom fighter. So, how convinced were you with the portrayal of such personality and with that role in general? Hi, Samya. Thank you for your time, firstly. Yeah. Um, most definitely, it was a fascinating uh, process. Mm -hmm to play you know somebody like madanlal dhingra and it keeps on becoming more and more fascinating by the day even today you know when i when i um, when i was offered this part mm -hmm. and when i actually first met R randeep I, I saw the passion he had for madanlal dhingra of course he was making a film on Savarkar mm -hmm. but the passion he had for dhingra was amazing and it only made me more curious to understand and to know uh, who this uh, person really was and what he really did तो जाके uh, पढ़ने से पहले मैंने आई आई वेंट एंड स्पोक टू माई फादर सो माई फादर इज़ अ हिस्ट्री बाफ ही नोज अलॉट अबाउट यू नो द फ्रीडम स्ट्रगल एंड एवरी थिंग सो ही न्यू अलॉट अबाउट मदन लाल ढेंगरा टू बिगिन विथ उसके बाद मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया और यू नो ऑनलाइन यू फाइंड डिफरेंट सोर्सेज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग्स एंड द सेम सेम इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स दैट हैपन इन मध लाल लाइफ उनके जीवन के जो चार मेन इंसिडेंट्स हैं उसके बारे में बहुत सारी जगहों पर अगर आप देखेंगे तो आ, उसके बारे में लिखा गया है बट hmm. उससे ज़्यादा दे वॉजन टू मच इन डेप्थ If you really wanted to uh, read, ये सिर्फ ऑनलाइन surface पर अगर आप देखें तो धीरे धीरे uh, मुझे और टेक्स्ट uh, लोगों ने भेजा और बुक्स के जरिए इवन इवन विक्रम संपद की जो सावरकर जी की बुक है उसमें मनलाल ढींगरा का एक चैप्टर है और uh, ऐसे फिर मुझे बहुत अलग अलग जगहों से आने लगा इवन टू एन एक्सटेंड मेरा एक uh, मेरे मराठी दोस्त हैं जिन्होंने मुझे एक्चुअली में वो मराठी मराठी में वो लिखी गई है औरिजिनली सो so, उसकी वो पढ़ के सुनाई और uh, ऐसी छोटे छोटे इंस्टेंसेज उनके मुझे आज तक और लोगों से पता चलते रहे सो इट वॉज ऑल स्कैटर्ड बट मेरा मेरा मोटिव ये था टू अंडरस्टैंड अगैन उनकी कोई यू um, नो you know, कोई वीडियो नहीं थी कोई ऐसा एविडेंस नहीं था इवन ऑन सोशल इवन ऑन ऑन द इंटरनेट सो व्हाट बिकेम इंपॉर्टेंट फॉर मी वाज टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ पर्सन ही वाज टू रियली अंडरस्टैंड एंड गेट इनटू हिज माइंडसेट

जैसे जैसे मैंने उनके बारे में जानना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया आई वॉज सो फैसिनेटेड एंड लेटर आई रियलाइज की यू नो द वैल्यू ऑफ द मैन तो बाय द टाइम आई वॉज ऑन सेट आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई रियलाइज दिस रिस्पांसिबिलिटी आई ऑल्सो हैव इन मी ऑफ कॉर्स द मेकर्स एंड द राइटर्स उत्कर्स संदीप ऑल दिस पीपल हैड पुट इन सो मच वर्क एंड सो मच स्टडी कि दे ऑल्सो बिकेम अ सोर्स फॉर मी टू अंडरस्टैंड थिंग्स यू नो रंदी एवरी टाइम वी वुड गो ऑन टू सेट विल गिव मी अ न्यू अनेट विल वॉज वेल वर्स्ड विद एवरीथिंग दैट वॉज हैपनिंग इवन वो उस सीन को छोड़ के उनके दो चार साल पहले की चीजें मुझे बताते थे एंड वॉज बाय द टाइम आई रीच सेट आई 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 थॉट फेल्ट न्यू अ लॉट अबाउट हिम टू गो एंड पोट्रेट दैट पर्सन सो आई थिंक फ्राम एवरीवेयर आईट है इंफॉर्मेशन एंड सोर्स मटीरियल फॉर मी टू यूज एंड प्ले Sir I myself have watched the entire film and what I observed is that Madanlal Dhingra's personality is portrayed as someone with a more outgoing party animal and a social person in general which might differ from the typical image of a freedom fighter so how convinced were you with the portrayal of such personality and with that role in general I think more than yeah. me, the makers were convinced. And if you are I think we've landed somewhere nicely, and this message is going across. And because, right. because that's what Randeep was all, always set out to do. He said this, this should be a representation or a connect to the youth. Mm. Now, when I get messages from people, and 90% of the messages are from young people, students, mm. uh, boys and girls, and everybody. Mm. Uh, and now, in hindsight, I'm realizing, wow, what, what the makers were actually set out to do. वो सही लैंड कर रहा है और जैसा आपने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही कमरे में बंद करके और सिर्फ किताबें पढ़ते हुए ही कोई काम कर सकते हो यू कैन लिव लाइफ यू कैन एंजॉय लाइफ बट दैट्स वॉट आई थिंक इट पोर्ट्रेज एंड इट स्टैंड फॉर दैट यू कैन लिव लाइफ पार्टी अपनी जगह है और क्रांति अपनी जगह है जैसा वो वो डायलॉग बोलते भी हैं सो दैट्स वट इट रियली मीन्स बिकॉज जब जब उनके उद्देश्य की बात आई जब उनकी जब बात आई फॉर हिम टू स्टैंड अपॉर समथिंग ही वॉज द फर्स्ट गाय हुई आई विल डू इट एंड आई वॉज ओनली एक्साइटेड टू प्ले अ फ्लैम बॉइंट चार्मिंग क्योंकि यू नो बहुत ही नॉन सीरियसली लिया जाता है ऐसा कोई कैरेक्टर हो जो पार्टी भी कर रहा है आपको भी पार्टी करा रहा है नाच गाना भी कर रहा है देन यू डोंट टेंड टू टेक दैट पर्सन सीरियसली बट दैट इज़ वॉट एक्साइटेड मी एक्चुअली बिकॉज दैट डिज़ नॉट रियली मीन दैट यू डोंट स्टैंड फॉर द राइट और आप वो अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी अच्छे से नहीं करेंगे दैट डज़ नॉट मीन दैट एन आई थिंक दैट्स वॉट मदन लाल ढींगरा वॉज ही वॉज ही वॉज लार्जर इन लाइफ as I said he was flamboyant but he knew what his goal was and I think that's where Savarkar and Dhingra's thought process sort of uh, aligned and that's when their because deeply affected the by the situation in the country at that point right. Sir our audience would also love to know is Nadal similar to the personality of Madanlal Dingra? Now that I think of it yes <laughs> इन हाइंडसाइड बिकॉज यस आई विल से सो उस समय करते हुए आई जस्ट डि नॉट वॉन्ट माई सेल्फ टू इंटरफेयर और इवन थिंक और हैव एनी प्री कंसिव नोशन्स और जज और इवन थिंक ऑफ माई सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ बट नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट येस बहुत ही रिसेंटली अभी दो दिन पहले ही मुझे लगा कि देर इज़ अ सिमिलैरिटी बिकॉज आई लाइक टू लिव लाइफ माई सेल्फ आई हैव बिन ऑल्सो कंसिडर्ड समबडी यू माईट नॉट बी वेरी सीरियस By the look of things, mm. but I know how passionate, how moved, how affected I am by uh, what I want to do, mm. what I can do, mm. and um, how I can make a difference. So, uh, ha, wo thoda sa align hota hai. since you mentioned about Randeep sir as well, so I would also like to know how was your experience collaborating with Randeep sir as well as other members of the cast, and did their portrayal of other historical figures? Influence your performance of the role? Uh, I'll take the first part of your question first. Um, it was an absolute delight and an honour to work with Randeep. If you have seen the film, ho, mm -hmm. and Savarkar have scenes together. So mm -hmm. my 90% of the work with was only one on one with Randeep. And it's my good fortune and um,

And it only kept on becoming more, uh, you know, because his involvement, his passion, his madness, his obsession, mm -hmm. um, I could see firsthand. Also, because as I said, our scenes were one on one. We were a equal part of all the scenes we were doing. Right. So he had all, if not 100%, if not, you know, more than 100%, 100% attention right there on the scene, on my performance, of course, on his performance as well. Mm -hmm. But. Um, I am very grateful that he saw that I'm capable, or he felt that I could play Madhulal Dhingra. And again, to give me a part like this is second part of, you know, my answer. That um, I'm only thankful to him that he he, without me knowing the value of this person, he gave me this character and told me what it means to him. At every point, I could see his passion mm -hmm. and his commitment and his love for what he's doing. So it it only made me get the best out of myself. I, I've been a sportsman so I, I'm a team player and when you have a captain mm -hmm. who's giving his all in mm -hmm. um, uh, for me uh, nothing else sort of existed so mm -hmm. I learnt a lot from him, a lot. he was uh, our set was not fun and games it was very serious because we were talking about serious situations serious incidents in, 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 in history mm -hmm. uh, so we had to responsibly

Please, that's what I'm here for. And I love the way you work, and just forget about it. Just be as you want, uh, as hard or difficult you want to be on me or on your actors. But he was, uh, he's been like a brother, even after, you know, like an older brother after the film. He's, he's, um, he always used to tell me that I.

डिड यूर परसेप्शन अबाउट वी सावरकर एंड मदन लाल ढींगरा चेंज आफ्टर डूइंग द मूवी जितना ज्यादा समय होता है निकलता जा रहा है उतना ज्यादा आपको फील होता है कि वॉट वर दीज पीपल मेड ऑफ यू नो वी लिव इन अ वेरी प्रिवलेज शेल्टर्ड लाइक इन अ वर्ल्ड वेयर वी आर अगेन बहुत ही सेफ वर्ल्ड है एवरीबडी हैज लाइक यू नो सोशल मीडिया एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू कॉमेंट बट नो बडी वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट नो बडी वॉन्ट्स टू टेक द Owners, ownership of anything, or you know, make a difference. Right. Let alone making a difference. Mm. Um, but these were young people. These were people all of 23, 24, who thought of giving their life for the country. Who were so moved, and and they were pretty decent. If 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 I have to talk about al Dhingra he was from an affluent family. Mm. He was in London. I mean, they could have just gotten away, living their lives, and just um, you know, uh, not really having to work that hard. बट दे व डीपली मूवड दे वॉज दिस पैशनेट पीपल हु वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस वॉट एवर वे पॉसिबल इवन इफ आई हैव टू थिंक अबाउट दिस ट्वेंटी फोर ईयर ओल्ड किड्स आई विल हैव टू से बिकॉज आई एम मच ओल्डर दैन दे एम नाउ इफ आई लुक पैक एंड आई इफ आई ट्राई एंड इमेजिन हाउ आई वॉज अब बहुत बार ऐसी सिचुएशन हुई कि मैंने अपने आपको सोचने की कोशिश की मैं कैसा था चौबीस साल की उम्र में कुड आई हैव डन समटाइम्स आई थिंक कि यही शायद वही उम्र होती है जब ऐसा कुछ हो जाता है बट देन यू लाइक नो सो कैलकुलेटेड सो वेल रेड यू नो देस्टुड द सिचुएशन एंड दे रियली वटिड टू हिट द ब्रिटिशर्स हार्ड और उन्होंने सोच के इतना ब्रेव कदम लेना उस उम्र के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है मतलब आप जवानी की जोश में कुछ चीज़ें कर देते हो बट दीज वर नाट दो पीपल दे रियली कैलकुलेटेड एंड दे न्यू वे गेटिंग इन टू एंड I just my take back from this is that we at least should be responsible or just try and bring about a change whatever little we can through our films through mm -hmm. through you know through journalism through whatever that we do. We are very blessed and very privileged to live in a very free and secure world okay. that we can't even imagine what what must have went down mm -hmm. so uh,

उन्हीं के चेहरे देख के ऐसा लगता था कि ये किसी और समय में हम ट्रांसपोर्ट हो गए hmm. और इट रियली फेल्ट लाइक इट हेल्प अस ऑल्सो गेट इन टू द कैरेक्टर बट अगैन वो लोग भी जो थे uh, बापट हर दयाल माई डाइड यूज टू टेल मी हर की एक ही लाइन है हमारी फिल्म में बट वो कितने बड़े स्कॉलर थे right. ये सब के बारे में एक्चुअली में बायोपिक बन सकती है और ये दीज व ऑल सच अमेजिंग यंग मैन सो I was deeply moved by, you know, even seeing the actors who didn't have a speaking part. So, yeah. Also, there is a very important scene of Madallal Dhingra, uh, which is the assassination of Sir Karzan Wiley, which is, I feel, which is one of the pivotal moments in the film. And how did you approach filming such a crucial scene, both from, a, from an emotional as well as technical perspective? अब ग्लैड यू आज टेक्निकली ऑल्सो बिकॉज क्या होता है कि आप सीन आप देखते हैं कि कैसे बना हुआ है और सीन के पीछे क्या हो रहा होता है वो हम लोगों को ही पता hmm. है और आई रिमेंबर दैट डे कुछ और दो बहुत बड़े सीन भी थे तो वी व जस्ट इन अ रश मेरी रणदीप से जितनी बात होनी थी वो पहले हो चुकी थी उस दिन हमारी बात नहीं हुई मतलब क्योंकि वो इतना सारा क्राउड वॉज अ बिग सीन आई एन फॉर हिम टू और वहाँ बहुत गर्मी थी hmm. उस शर्ट में हमने सूट्स पहने हुए सब में so it was very difficult but somewhere uh i realized ki madanlal dhingra had already made up his mind he was not thinking much at that point he was only thinking about what he needs to do aur unke liye wo apni ek uh, ek maashooka se milne ja rahe the lover jise bolte that was his thing he was he was रिलैक्स्ड येट वेरी फोकस्ड एज सो फोकस्ड कि उन्हें और कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कुछ और दिख नहीं आ, दिख नहीं रहा होगा सो आई रिमेंबर रणदीप जस्ट टेलिंग मी दैट आई हैव टू कम डाउन दोज फोर स्टेप्स एंड शूट एंड आई थिंक अगेन देट वॉज बिग ऑन हिम ही डेंट टेल मी एनी थिंग बिकॉज प्रॉब्ली ही सॉ वेयर आई वॉज एट दैट पॉइंट और मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट सीन ये था क्योंकि वो वाला सीन और कोर्ट वाला सीन आर टू सीन्स विच यू रीड अबाउट सो मच सोशल मीडिया ऑनलाइन भी इतना कुछ है एंड दोज आर द मेन पिविटल पॉइंट्स ऑफ इस लाइफ सो येस दे वर नॉट डिफिकल्ट बट दे वर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई फेल्ट आई वॉज आई वॉज आई वॉज प्रेजेंट देट आई फेल्ट वॉट दैट दे मस्ट बिन फीलिंग और मेरे लिए वही था कि मैं सिर्फ उस स्टेट ऑफ माइंड में रहूँ वो वो फील करूँ वो यहाँ किस लिए है और अगर वो इस, इस पार्टी में आया है और वो एक कोने में खड़ा होकर एक ड्रिंक पी भी रहा है तो वो किस मौके का इंतजार कर रहा है और वो ओए वाइली जब वो बोलता है तो वो ओए वाइली इतनी रिलैक्स तरीके से बोलता है पीपल हैव एक्चुअली लाइक्ड ओए वाइली आल्सो बिकॉज संदीप सेड ओए वाइली बोल कि वो उससे थोड़ा सा एक रिलैक्स टोन आ जाता है कि ओए वाइली बोल एंड ही जस्ट शूट्स दैट पर्सन सो ऑल ऑफ द सीन्स वेरी मूविंग बट मैं मृणाल को अपने आप को उस उस सीन उन सिचुएशन से दूर रखता था ताकि मैं ना सोचूँ कि ये ढींगरा को कैसा लग रहा होगा उस समय या ये चौबीस चो, साल के लड़के ने जाके पार्टी के बीच में गोली मार दी और ऐसा हो गया तो वो आई ऑलवेज ट्राई टू कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम इट आई वॉज ओनली थिंकिंग एंड आई वॉज ओनली ट्राइंग टू बी मद ढींगरा शूज एंड आफ्टर अ पॉइंट दे वॉज इन मच टू थिंक अबाउट यी वॉज वेरी फोकस्ड एंड एंड वैन यूर फोकस्ड यू कट आउट द नॉइज सो ट सीन वॉज फोर मी आई आई वॉज लिटरली वेटिंग टू सी करजन वाइली और बस वो मुझे शॉर्ट्स ही पहले नज़र आए मुझे उससे पहले वो नज़र भी नहीं आया एक्चुअली सेट पर भी तो वो अच्छा ही था बट आई थिंक आई थिंक आई एक्सपीरियंस दैट आई फेल्टवाइट डीपली और आई थिंक ठीक ठाक आया भी है Yeah, so uh, also as an actor, how different was this movie for you in comparison to uh, all the other projects that you have done in the past? See, it really depends. Every every part has its own uh, challenges. Mm -hmm. I, as you spoke about his story, I mean, a lot of people, a lot of journalists are also talking about his story. Mm -hmm. my, my, one of my web shows where I play a homosexual. Mm -hmm. um, you don't make it difficult for yourself while you're doing it. Mm -hmm you already beforehand sort of uh, and uh, sort of see and gauge how how it's being done it's being done uh it's been done right it's being done tastefully it's being uh, done with the right respect and once you're in the hands of makers who you trust mm -hmm. then um i think then then it's a free flow for you and uh, हर कैरेक्टर दूसरे से अलग तो होता है ही आई ऑलवेज वॉन्टेड टू प्ले अ प्ले आ फ्रीडम फाइटर आई मीन पीपल इज टू आस्क मी एंड आई ऑलवेज वन थिंग आई हैड फॉर सर्टन वॉज कि uh, एक क्रांतिकारी एक रेवोल्यूशनरी का रोल प्ले mm -hmm. करना है एंड आई एम ओनली वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गॉट टू प्ले मदन लाल ढींगरा इवन इफ आई एम आस्ट टू प्ले समबडी अगेन आई वुड वॉन्ट टू प्ले मदन लाल ढींगरा मोर इन डिटेल एंड सॉट ऑफ यू नो एच आउट हिज लाइफ एंड हिज हिस्ट्री मोर सो हाँ अलग जितने कैरेक्टर्स हो उतना मज़ा आता है मतलब अगर मुझे कोई ऐसे ही बोले कि बॉम्बे में रहने वाला नॉर्मल लड़का है वो तो मैं हुई So if it's, it's if it's the further away it's from you, the nicer it is to create something and you know uh, play out something for an actor. That's what I feel. Yeah. So what were the reactions of your family and closed ones after the film got released? My parents are very happy. My parents did not have not seen a lot of my work. Um What they like, they tell me. But this, they are very excited about. They're getting screenings done in Delhi. Yeah. Uh, also, because these they are people who are um, aware of the sacrifices made. Yeah. About they're aware of the history that unfolded in our country. Yeah. They know uh, Madanlal Dhingra. Yeah. I mean, of his existence. My grandfather is ninety-five. और वो बताते हैं कि जब कॉफ़ी हाउस यूनाइटेड कॉफी हाउस है कनॉट प्लेस में दिल्ली में वो एच एक अंग्रेजी बैंक में काम करते थे मेरे दादाजी वो बताते थे कि जब वो ब्रेक के लिए कॉफ़ी हाउस में जाते थे जो उनका अड्डा होता था वहाँ सांवर कर आते थे और उस समय पे उनकी रिस्पेक्ट ऐसी होती थी कि लोग उनके उनका आशीर्वाद लेने के लिए खाली आते थे उनके टेबल के आस भीड़ जम जाती थी लोग एक एक, एक करके आते थे तो उनका और उन समय उस समय के लोगों ने देखा है आई मीन इट 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 गॉट लॉस्ट

They are very happy and they're very happy for the film. They have a lot of love to give Randeep. They keep telling me. Not just them, a lot of people. So haan, Kafi khush hai. So this is actually a very common question, but uh, I would really want your insights on this. What personal insights or learning did you get from portraying Madan Lal Dingra? And how has this uh, character influenced you as an individual or as an actor? सी आई डोंट नो इट जस्ट मेक्स यू रियलाइज दैट वी शुड नॉट टेक द फ्रीडम वी हैव फॉर ग्रांटेड देर हैव बीन अ लॉड ऑफ सेक्रीफाइजेज वन आई सी पीपल नॉट इवन एक्नोलेजिंग दिस पीपल आई जस्ट ऑब्जेक्टिवली रियलाइज कि हाउ प्रिवलेज वी आर कि हम सोचना भी नहीं चाह रहे हैं कि किन किन का क्या क्या योगदान रहा होगा थोड़ी सी जितनी ज़्यादा हमारी इंफॉर्मेशन एंड द ब्रॉडर आस्पेक्ट्रम हैज़ बिकम विद इन्फॉर्मेशन उतना ही मायोपिक हमारा यू नो जजमेंट हो गया है कि वी आर क्विक टू जज एंड पाउंस ऑन टू पीपल एंड आई रियलाइज दैट्स वेरी अनफेयर वी वी रियली लिव इन अ वेरी शेल्टर्ड कम्फर्टेड एनवायरमेंट कि हम जिन लोगों ने जो जो काम किया उसको एक्नॉलेज भी कई कई जगह नहीं करना चाहते हैं सो आई जस्ट हैव मोर रिस्पेक्ट एंड आई आई फील आई एम मच मोर

Uh, make you pleasantly braver, I think. Yeah, so just a follow up to this, we have heard that Randeep sir has been a hangry person during the entire shoot. And since he was directing, acting, and managing a lot of things at the same time, did you feel intimidated while enacting with him? Uh, see, as I said, he was somebody I looked up to, admired. Mm -hmm.

Also, because as you said, he was hangry, but I mean, having said that, he was very focused, I would like to say. He had no time for bullshit. So, anybody would get intimidated because he's got that personality, also. And then, when you see him work, um, any, any person will feel small. So, um, yes, I would not lie, I was intimidated. I was sort of. Uh, struck by his his aura or or the way he was conducting himself, also because he was so well researched. He had lost weight, so not just an actor. I'm seeing somebody who's written and directing me, and, and he's looking here and there at the same time, which I'm only trying to figure out. But very 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 uh, very soon I realised who maybe I'm a because I realised that Madanlal Dhingra is more flamboyant than Savarkar, and at no point can I be in his shadow right now. So I had to. Um, I had to move Madanlal away for some time. I, I actually, I had to, um, shit. I just remembered. I actually abused him in my head also that I don't like this guy. Because Savarkar also, Madanlal Dhingra se tha, they didn't start off on the best note. They weren't like friends from the word go. So I had to, in my head, cut down his respect. I had to not respect him, to meet him at power, and to let Madanlal Dhingra think of you know himself more, which he did. और फिर जाके वो सीन्स कहीं लैंड हुए हैं और आई थिंक दैट वाज दैट वाज मोर फॉर मी एज एन एक्टर आल्सो टू गेट आउट ऑफ दैट कॉल इज स्टार्स ट्रक कॉल इट परफॉर्मेंस ट्रक कॉल इट वेव इन एडमरेशन ऑफ दिस पर्सन दैट आई रियलाइज कि मुझे इससे बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा टू टू प्ले द वे मदन लाल ढींगरा आई वॉन्ट टू प्ले सो तो हाँ बाद में फिर मैं उनकी तरफ सेट के बाद ज़्यादा देखता भी नहीं था बिकॉज इट वॉज इट वॉज क्रेजी वेन यू वुड लुक एट हिम वर्क यू वोड जस्ट बी यू नो वो जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स लोगों लड़कों ने किए वो सब थिएटर के बहुत अच्छे एक्टर्स हैं वो भी आपस में हम जब खड़े होते थे वो बोलते थे यार ये कितना अच्छा कर रहा है और कितना अच्छा बता रहा है सबको सो mm -hmm. so, मैं तब भी नहीं उनको वो अप, अपने सर पे मैंने थोड़ा उनको चढ़ाना या रिस्पेक्ट देना कम करा ताकि मैं अब खुल के ढींगरा का पार्ट कर पाऊँ सो दिस जिस द कांड ऑफ माइंड गेम्स यू हैव टू प्ले विथ योर एंड you know uh, so that it lands right but again i am in awe of what he does and he's been very generous even after the film and uh, yeah i would uh, jump on to an opportunity to work with him again That's great. yes so sir lastly i would also want to ask since i've observed that in today's world the younger generation is very quick on trolling and passing judgments and doing such a controversial and challenging role Comes up with a lot of reactions from the closed ones of your uh, uh, family or friends per se. So, did such a role or did the release of the film affect your personal circle? And what recommendations or advice would you want to give to someone who is looking forward to to opt for some similar roles in the future? So, you know, I think anything can become controversial these days when people have a typing pad at their disposal. And social media, I would only like to say this to actors who you know get offered parts in a film or in a series which they feel could be politically controversial. I would like for them to um, sort of gauge the makers, understand where they're coming up, coming from, how honestly they are trying to tell a story. Um, I, I saw Randeep's passion from the word go. So and later when I got to know about al Dhingra, I was clear in my head I mean this is, this is foolish if it's controversial because these people must be known, these people must be uh, brought to the forefront and you know they need to have spotlight on them and again I was watching a screening with the writer Utkarsh and he told me he had spent last three years uh, researching on the film so I mean say there, there's going to be a perspective because because we are humans we have different perspectives if I like red you might like black so that is absolutely okay but having said that i do feel there could be films who are not true to you know what they want to say i mean there have been probably films which which uh, are not made with the best of intent but this film i was very sure of because i realized and i saw uh, the intent the makers had again randeep had and my parents i mean they, they, they are a benchmark for me to understand when i spoke to them they were the most excited people and for me i would i would Want to believe what my parents believed and saw before we were born and came to this planet. So um, controversial when I was doing a homosexual character that was also put under 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 the spotlight for for the wrong reasons as well. So that's okay. You need to really see your conviction if you believe in that part. If you I mean, and that's your side of the research and study that you need to do and understand. Ki wo kaun the. अब uh, क्या आप उसका रोल करना चाहेंगे ये कौन लोग बना रहे हैं और ये किस लिए बना रहे हैं क्या ये ऊपरी ऊपरी तरीके से फिल्म बनाई जा रही है किसी एजेंडा के लिए या किसी ऐसे इफेक्ट के लिए ये फिल्म तो वो नहीं थी आई सॉ द डिफिकल्टीज दिस फिल्म वेंट थ्रू आई हेव गॉटन क्लोज टू रनदीप इन दिस प्रोसेस एंड आई रियली आई आई नो आई नो द फैमिली आई आई नो एवरीबडी सो आई नो द हार्ट एंड सोल दैट्स बीन पुट टू इट एंड फॉर मी एज अंग एक्टर दैट्स ऑल आई नीड इफ यू पुट हार्ट एंड सोल इन टू इट And आई एंड convinced एम by the character द कैरेक्टर आई एम डूइंग दैट्स ओके open to being judged And open to ओपन टू एंड एंड यू नो एज दे सेट ब्लॉन्शेड का मैं बहुत अच्छा एक इंटरव्यू अभी देख रहा था और वो अच्छी वो सेंग दैट एक्टर्स जॉब इज नॉट टू टेक अ साइड बट इज टू डू समथिंग वेर अ क्वेश्चन इज रेज उसके बारे में बात होनी जरूरी है तो आई एम हैप्पी लोग बात कर रहे हैं इट्स फॉर देम टू अंडरस्टैंड एंड चूज आफ्टर द वॉच द फिल्म Okay, so since uh, we got to know that you are a method actor and you have done this role of uh, Madan Lal Dingra, so how difficult will, will it be for you to step out of that role and then go into or to act some other role? See, I don't know. Method acting uh, has has different definitions as well. For me, I think I try and be in the shoes of that person, right. and you could have different. यू नो डिफरेंट वेज यू कैन गेट इन टू द हेड ऑफ दैट पर्सन दैट कुड बी थ्रू लुक थ्रू द स्क्रिप्ट थ्रू यूर इमेजिनेशन थ्रू योर स्टडी आई फील आई डिड रीच देयर बट अगेन वी इट्स एन एक्टर्स जॉब एंड ऑल्सो माई 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 जॉब ऑन दिस फिल्म वॉज वेरी डिसजॉइंटेड मतलब मेरा बीस दिन का काम था फिर गैप था जिसमें मैंने और भी चीज़ें की सो I guess in a longer period of time, like say for Randeep, must be difficult because he's lived this through for two years. When you live this for two for very long period, then you start seeing some sort of changes and you know your instincts or your ticks start changing. Small uh, changes आपको नजर आएंगे अगर आप वो कैरेक्टर ज़्यादा time time तक जीओ। इसमें मेरी शूटिंग uh, थोड़ा टूट-टूट के हो रही थी, तो it was easy for me to come out of it. Um, ऐसा नहीं था कि इट वॉज एनी वे डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टेप आउट ऑफ इट बट येस इफ सम्ज इट इज इफ यू गॉन थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ़ शूटिंग आई थिंक द बेस्ट आइडिया इज टू गेट ऑन टू अनदर प्रोजेक्ट अनदर पार्ट इट स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन दैट एंड देन आई थिंक टू स्पेंड टाइम दैट आर एनी वे डू आई थिंक एक्टिंग कैरेक्टर्स से ज़्यादा भी बींग एन एक्टर इन बॉम्बे सेट तक पहुंचने तक बहुत जद्दोजहद होती है मतलब शूटिंग पे तो हम कर ही लेंगे बट वो सेट और राइट right फिल्म और राइट right प्रोजेक्ट तक पहुंचने के लिए भी बहुत सारी मेहनत होती है सो टू कीप योर सेल्फ फ्रेश फ्रॉम दैट ऑल्सो आई थिंक स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली आई ट्रेवल लॉट सो दैट ऑलवेज बिकम्स इंपॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम अ कैरेक्टर और अ प्रोजेक्ट और जस्ट लाइफ और जस्ट मृणाल एज सच सो या फैमिली फ्रेंड्स ट्रैवल इज समथिंग विच आई विच आई रियली लुक फॉरवर्ड टू thank you so much sir thank it you. was really a very fun conversation and we, we really enjoyed talking to you and i'm sure our audience would have also loved it thank you so much to all our viewers and please do like share and subscribe our channel jk now namaste thank you